हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एफएल स्टूडियो के 6th पार्ट जो है पियानो रोल। ठीक है गाइस, तो आपको बगैर देरी किए हुए चलते हैं अपने एफएल स्टूडियो की तरफ। तो गाइस, मैं ऑलरेडी एफएल पे स्टूडियो ओपन करके रखा हूँ। ठीक है गाइस, देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पियानो रोल के बारे में। ठीक है, तो गाइस शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूं अमित कुमार और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टेक ज्ञान में स्वागत है। तो गाइस, आज है पियानो रोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, पहले तो इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने पहले मैं इसको पहले पूरा जूम कर लेता हूं। ठीक है, इधर देख सकते हैं ये है, मतलब बोले तो एक प्रकार का जिस लाइक पियानो में होता है। देखे होंगे अगर आप पियानो, जैसे पियानो देखते होंगे देखे होंगे किसी प्रकार से सी माइनर, सी माइनर टू, सी माइनर थ्री, ई माइनर, इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि एडिटिंग किया हुआ है, नहीं ऐसे एडिटिंग नहीं किया हुआ, इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो गाइस पहले मैं इसका इंटरफेस के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मेरे को अभी जो है एक किक पे सिलेक्ट है। ठीक है, मैं इस पर स्नेयर पे, स्नेयर बोलो सॉरी हेड पे, हेड पे मैं इसको, हेड पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं पियानो रोल पे भी जा सकता हूँ या मैं यहीं से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक प्रकार का मतलब ये बीट मैं बना रहा हूँ ना, कि मतलब हिट हेड की तरह हिट हेड। ठीक है, तो ये सुने, उसके बाद हम चाहे तो यहाँ से पियानो राइट क्लिक करके पियानो रोल पे जा सकते हैं। ठीक है, या मैं डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता हूँ। ठीक है ना, पहले गाइस मैं ये जो पीक लगा हुआ है इसमें मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इसके हटा पहले हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ पहले इसको, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए, ठीक है, इसको यहाँ से जाएंगे और व्यू मोड पे करेंगे और यहाँ से देखिए रिमूव बैकग्राउंड पिक्चर, इसको रिमूव कर देंगे, साइड हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लीजिए इसको जैसे कि मेरे को इसको बढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ से एक बार ऐसे कर सकते हैं, मतलब बोले तो एक बार सबको अल्ट के साथ, अल्ट के साथ अल्ट बटन दबाइए। ठीक है, अल्ट बटन दबा करके राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे सेलेक्ट होता है, देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं, पहले मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, पहले मैं यहाँ पे एक कुछ इंटरफेस है इसका, मैं इसके बारे में बात करूँ। ये है टूल्स। ठीक है, टूल्स में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हो देख सकते हैं, ये सब टूल्स है। ठीक है, और यहाँ फाइल है, फाइल में जैसे कि जो भी मतलब वीडियो फाइल है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, जो करना है, यहाँ से वीडियो फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। एडिटिंग है, एडिटिंग में इस सब को मतलब धीरे धीरे मैं सारे को बताऊंगा क्या है, इसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो गाइस ये है, ये तो आप जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में बताया था जब मैं ये स्टार्ट किया था, प्ले लिस्ट स्टार्ट किया था, उसमें बताया था ये सब है। तो उसके बाद इधर रहा, इधर देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बोला फिफ्थ नाइन्थ मेजर जो भी चाहिए वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओनली वन या नन कर देता हूँ। ठीक है, नन ही हमेशा रहता है। और इधर रहता है ये लूप मोड, देख सकते हैं यहाँ से ये लूप मोड ऑफ ऑन हो रहा है। इसमें ड्रॉ, इसलिए कि मैंने अभी ड्रॉ किया था ये। ठीक है, देख सकते हैं ड्रॉ हो रहा था। ये रहा पेंट का, तो गाइस ये है सिर्फ एक बार में, सिर्फ एक ही बार, मतलब बोले तो एक क्लिक में एक ही बार होगा, तो ये ड्राइंग होगा। और पेंट है तो पेंट को मैं एक बार जब यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं लेफ्ट क्लिक को तब तक ये ड्रैग एंड ड्रॉप होते रहेगा। ठीक है, ये रहा पेंट को जैसे कि ये म्यूट करने के लिए। ठीक है, म्यूट बोल सकते हैं, सिर्फ पियानो रोल में ही है ये ऑप्शन हुआ नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है पेंट इन ड्रम स्क्वायलेंसर मोड, ये सिर्फ पियानो रोल में है। जिसलिए कि मैं यहाँ पे इसको म्यूट कर देता हूँ और इसको देख सुन सकते हैं इसको।
सुन सकते हैं गाइस कि सिर्फ ये दो बज रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चार लगाया हुआ, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे दो ही बज रहा है, ठीक है। सिर्फ इसको अब यहाँ से फिर से प्ले करते हैं, ठीक है। मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ क्योंकि कीबोर्ड में थोड़ा सा मेरे को आसानी लगता है, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। काम का जो काम हो जल्दी करने के लिए मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। स्पेस बटन दबाएंगे तो प्ले एंड पॉज होता है, ठीक है। ये तो सुन लिए, उसके बाद रहा ये डिलीट का, ठीक है। यहाँ से भी डिलीट कर, यहाँ से डिलीट करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे ले जाएंगे वहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट राइट क्लिक करूँगा और ये डिलीट, ठीक है। उसके बाद रहा कि ये म्यूट का, म्यूट तो जानते ही होंगे कि म्यूट करने के लिए, ठीक है। सेम टू सेम उसी का कंडीशन है, इसी का पेंट का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बढ़ा दिया। और यह स्लाइस का, ठीक है। स्लाइस का जो दो टुकड़े पार्ट में करते हैं, ठीक है, ये स्लाइस का हो गया, ठीक। उसके बाद रहा सिलेक्ट का, सिलेक्ट का तो जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद रहा जूम का, जैसे जूम पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो जूम हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ठीक है। ये रहा प्लेबैक का, हम इस पर जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जब तक दबाएंगे तो ये बजेगा, ठीक है। देख सकते हैं ये मेरा जहाँ जहाँ पे जाएगा पॉइंट वहीं वहीं। और ये रहा प्ले एंड पॉज का, ठीक है। तो गाइस तो इसमें तो इतना ही है, और मैं बताना चाहता हूँ कुछ इसमें बोले तो हॉट की बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, इसमें आप हॉट की भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी चाहेंगे तो यहाँ से भी, मतलब जो भी चेंज करना हो, जैसे मैं स्नेयर लेना है तो स्नेयर ले सकते हैं, ठीक है। स्नेयर जो भी लेना है यहाँ से चेंज करके अपना ले सकते हैं। उसके बाद रहा क्या कि जैसे मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक है मैं को, मतलब एक एक बार इसको क्लिक करना होगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही मतलब सारा बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देख सकते हैं कि मेरा एक ही है, ठीक है। तो पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँ, ऑल्ट बटन दबा करके इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, अल्ट यू, ठीक है, अल्ट के साथ यू बटन दबाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चॉपर ओपन हो गया, ठीक है, चॉपर ओपन हो गया। अब यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है। स्पेस बटन दबाएंगे, कुछ इस प्रकार से बज रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये नॉब को है थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाएंगे, आप सुनिए, और थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाएंगे, सुनिए, इसको थोड़ा सा और राइट की तरफ ले जाएंगे, और राइट, ठीक है। इस्तेमाल लीजिए, मान लीजिए कि मेरे को इतना ये जो बीट बना 1 2 3 4 बज रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये पार्ट है ये इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट हो, तो ऐसा इस पे राइट के अल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके अल्ट, सॉरी कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके अल्ट यू दबाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो चॉपर जो ओपन होगा, अल्ट यू के साथ चॉपर ओपन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ाते जाऊँगा, जितना टाइट करना होगा उतना टाइट कर सकते हैं। सुनिए, सुनिएगा यहाँ से, जैसे जैसे मैं इसको पूरा टाइट किया हूँ, ठीक है। और इसको जैसे जैसे मैं इसको चेंजिंग करूँगा, जैसे बोले तो राइट की तरफ ले जाऊँगा, वैसे वैसे चेंज होते जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, देखेगा इस, यही होता है इसका, ठीक है। इसका मेन रीजन है कि मतलब कि थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए मतलब किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे इसका वॉल्यूम में, ठीक है। ये तो जरूर देखे होंगे ये पार्ट, जो जो मतलब पियानो रोल में अधिकतर जो काम करते हैं, जो भी मतलब बनाते हैं, अगर सिर्फ उस पर बनाते हैं, जैसे कि बोले तो सिर्फ मतलब चैनल रैक में ही बनाते हैं, तो उनको शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर जो पियानो रोल पे बता बनाते हैं उनको जरूर पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो यहाँ से
ठीक है चेंज। अब देख सकते हैं गाइस थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसको अब सीधा करना है, सिर्फ एक ही लाइन में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट बटन दबा करके यहाँ से क्लिक करेंगे और सारे को खींच देंगे जहाँ से खींच सके, शिफ्ट बटन, शिफ्ट शिफ्ट, देख सकते हैं एकदम सिर्फ एक परफेक्ट लाइन में ही होगा, ठीक है। उसके बाद माने कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नोट पैनिंग है, नोट पैनिंग लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, ये सेंटर रहेगा, ये नीचे जाएगा, फिर इसको सेंटर थोड़ा सा ऊपर और ये इसको थोड़ा सा, आप सुनते हैं, तो गाइस ये दो ऑप्शन है, ठीक है, पैनिंग का और ये वेलोसिटी का, और ये जो है फाइंड पिच, तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें मतलब थोड़ा सा मतलब आवाज़ चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। मैं इसको पूरा ले जाता हूँ, देख सकते हैं आवाज़ चेंजिंग हो रहा है, आवाज़ चेंजिंग के लिए, ठीक है, पिच करेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद है इधर आ गया नोट फिल्टर, ये भी मतलब बोले तो फिल्टर 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 वाइस फिल्टर करने के लिए, जैसे ऊपर जाएंगे मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये रहा फ्रिक्वेंसी, थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको कुछ चेंजिंग मिला होगा, ठीक है, दिखा सुन ली, थोड़ा सा आपको कुछ चेंजिंग मिला होगा, मतलब ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा मतलब चेंजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद रहा रिलीज नोट, मतलब कि कितने पर आप रिलीज करना चाहते हैं, मतलब रिलीज 10 मिनट में, ठीक है। तो ये मैं 5 के बाद इसका पैनिंग, चाहे पैनिंग के बारे में तो बता दिया, ठीक है, देख सकते हैं मैं यहाँ से जब उठाऊँगा इसको तो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि इधर पूरा आ गया, इसको हटाएं कैसे, तो गाइस इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने वाला एक चैनल पैनिंग है, यहाँ से उठा है और इसको यहाँ पे लाकर सेंटर कर दिए, ठीक है, ऊपर से लाए यहाँ पे लाकर सेंटर कर दिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक बचता है, ये तो पूरा बच रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला करके इसको सेंटर करना होगा, ठीक है। तो आप सेंटर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी नहीं, यहाँ फिर आप वॉल्यूम, ठीक है, देख सकते हैं ये भी मतलब बोले तो एक प्रकार का वही है, जैसे मैं इधर करता था ये सब पैनिंग वेलोसिटी रिलीज इसी सब के पीछे भी देख सकते हैं उसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है। उसका जो भी हो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर, ये 3 मैंने बता दिया, और हटाना होगा तो यहाँ से हटाते चलिए हट जाएगा, ठीक है, हट जाएंगे हट गया, ठीक है। तो और इसमें बचा और बचा क्या, हाँ कलर चेंजिंग के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप कलर चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कलर चेंजिंग, तो यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ पर जाएँगे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, ठीक है, व्यू पर जाएँगे, व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर क्या देखते हैं, क्रिएट कलर है, ठीक है, ग्रेट कलर, ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए मेरे को वाइट चाहिए, ओके कर देंगे, वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जाएंगे, मेरे को चाहिए कुछ और, मान लीजिए मेरे को ये किस बढ़िया रंग चाहिए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहिए कि मेरे को यहाँ से जैसे था वैसे होना चाहिए, तो जैसे तो यही था वैसे कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप तो इसमें और कुछ बताने का है ही नहीं, ठीक है, इधर तो ये जानते होंगे मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है, और इसमें तो है कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।